जज अब्दुल नजीर को मिली सौगात। आंध्र प्रदेश के बनाए गए राज्यपाल तो खूब मचा बवाल। मोदी विरोधी से लेकर पत्रकार तक सभी ने उठाए सवाल। विपक्ष ने उठाए सवाल, लेकिन क्या कहता है संविधान? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। अब्दुल नजीर, ये वो नाम है जो कभी सुप्रीम कोर्ट के जज थे और उनका नाम अयोध्या विवाद में आए ऐतिहासिक फैसले में भी शामिल था, क्योंकि पांच जजों की जिस बेंच ने ये रामलला के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, उन पांच जजों में से एक नाम जस्टिस अब्दुल नजीर का भी है, जो पिछले महीने जनवरी में ही रिटायर हुए और एक महीने बाद ही मोदी सरकार ने उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया, जिस पर खूब बवाल मचा हुआ है। यहां तक कि कांग्रेस भी खूब विरोध कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर नियम क्या कहते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सैयद अब्दुल नजीर को जब से आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है, देश में इस कदर बवाल मचा हुआ है कि विपक्षी पार्टियां तो जैसे मोदी सरकार पर टूट पड़ी हैं और इस बात पर आपत्ति जता रही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को राज्यपाल क्यों बनाया गया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रवक्ता और पूर्व विधायक वारिस पठान ने तो एक ट्वीट में लिखा, अयोध्या फैसले की बेंच में शामिल रहे जजों को रिटायरमेंट के बाद मिली नौकरी। रंजन गोगोई राज्यसभा सदस्य बनाए गए। अशोक भूषण को NCLAT का चेयरमैन बनाया गया। अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाया गया। पत्रकार आरफा खानम ने तो लिखा, जस्टिस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं, हाल ही में ऐसी से रिटायर हुए थे, नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया, राम मंदिर के पक्ष में फैसला देने वाले में थे नजीर। RSS के अधिवक्ता मंचों पर जाकर मनु को रोल मॉडल बताते रहे हैं, नोट ये इंसाफ न करने का इनाम है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि जज को सरकारी पद देना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के हैं, सरकार कहीं न कहीं उन्हें दूसरे पदों के लिए भेज देती है, जिससे लोगों का यकीन न्यायिक व्यवस्था पर कम हो रहा है। ये जजेस को गवर्नमेंट जॉब देना, गवर्नमेंट पोस्ट देना अनफॉर्चुनेट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट के, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको भेज देती है, जिससे लोगों का यकीन जुडिशरी पे कम होता चला जाता है। जस्टिस गगोई को अभी तो राज्यसभा दी थी, अब जस्टिस नजीर साहब को आपने गवर्नर बना दिया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत लोग सवालिया निशान लगाते चले आ रहे हैं कि गवर्नमेंट के दबाव में हुआ है। जस्टिस गगोई के बनने के बाद जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाना उन लोगों के शक और शुबे को और मजबूत करता। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 कहता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलहदा अलहदा होनी चाहिए, गवर्नमेंट शुड सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर है। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो और उसका एग्जीक्यूटिव से कोई वास्ता ना। मोदी विरोधी जहां अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाए जाने पर सरकार को कोसने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सखाराम सिंह यादव ने कहा, जस्टिस अब्दुल नजीर ने हमेशा कानून के हिसाब से फैसले दिए, उनके राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति से न्याय तंत्र में विश्वास कम होने की कोई बात नहीं है। अगर किसी को लगता है कि उन्हें किसी फैसले का इनाम दिया गया है तो ये गलत है। तो वहीं मोदी सरकार में कानून मंत्रालय संभाल रहे किरण रिजिजू ने मोदी विरोधियों को जवाब देते हुए लिखा, राज्यपाल की नियुक्ति पर एक बार फिर से पूरा गिरोह जोरों पर है, उन्हें अब ये समझ लेना चाहिए कि वो भारत को अपनी निजी जागीर जैसे नहीं चला सकते। अब भारत को संविधान के प्रावधानों और लोगों की इच्छा के अनुसार चलाया जाएगा। अयोध्या फैसला सुनाने वाली पीठ में जज रहे अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाए जाने पर कुछ इसी तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष से लेकर पत्रकार तक जहां सरकार को इस फैसले के लिए कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए, तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज सखाराम सिंह ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। बहरहाल इस समर्थन और विरोध के बीच सवाल उठता है कि आखिर किस आधार पर रिटायर्ड जस्टिस नजीर का राज्यपाल बनना गलत है? क्या किसी रिटायर्ड जज का राज्यपाल बनना न्यायिक व्यवस्था को कमजोर करता है? क्या लोगों का विश्वास न्यायिक प्रक्रिया में कम हो जाता है? इन तमाम सवालों के बीच आपको बता दें, संविधान ने कभी भी किसी जज को राज्यपाल या दूसरा कोई सरकारी पद संभालने से नहीं रोका है।
संविधान में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि कौन राज्यपाल बन सकता है, राज्यपाल के पास क्या शक्तियां रहती हैं। ये सभी बातें संविधान के आर्टिकल 157 और 158 में विस्तार से बताई गई हैं। संविधान के मुताबिक जो भारत का नागरिक है, जिसकी उम्र 35 या उससे ज्यादा है, जो संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो, जो किसी भी लाभ वाले पद पर ना रहा हो, जो कुछ समय से राजनीति में सक्रिय नहीं है, उसे राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब संविधान के इन प्रावधानों को देखकर समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल नजीर का राज्यपाल बनना किसी भी तरह से गलत नहीं है। वो ना तो राजनीति में सक्रिय है, ना ही उनके पास कोई लाभ वाला पद है, और ना ही वो विधानमंडल के सदस्य रहे हैं। यानी अब्दुल नजीर राज्यपाल बनने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष सवाल इसलिए उठा रहा है क्योंकि नैतिक आधार पर किसी जज को रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं देना चाहिए, इससे न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कमजोर होगा। वैसे आपको बता दें, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जज राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पूर्व जस्टिस फातिमा बीवी को 1997 में तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया था, तो वहीं साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सत्शिवम को केरल का राज्यपाल बनाया गया था। और अब जिस तरह से अयोध्या पर फैसला सुनाने वाली पीठ में रहे पूर्व जज जस्टिस अब्दुल नजीर को मोदी सरकार में आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। These kids are learning to gauge the depth of this profession and navigating their way. We cannot afford to lose such good talent just because of the perception that litigation as a career option is not financially unviable. We have to be the change that we probably wanted during our days as junior advocate. A decent pay to the juniors will only bring more talented and dynamic young members to the profession. I second with the thoughts of Honorable Chief Justice Dr. Chandrachud on the same issue you had also expressed some time back. We need them and their inputs in providing equitable and accessible justice and reach the last voice crying for justice which otherwise cannot be heard. I thank my sister and brother judges of this court who have been very kind to me throughout. I am to thank the Supreme Court Registry, law officers, all my court staff, protocol staff, medical staff, library staff and office staff members for perfectly managing everything for me during all my years in the Supreme Court. And all my law researchers who have immensely helped me to the best of their abilities. I thank each one of them and I wish them the best for their future endeavors. And last but not the least, everything in my life have not been possible without the support of my family. They are reasons that kept me going. They stood next to me during all times. I thank all of them. I wish to reverberate what Maximilien Robespierre said during the French Revolution while calling everyone to listen the inner self. He said, and I quote, "Let us be generous towards good, compassionate with the unfortunate, inexorable with the evil, and just towards everyone," unquote. Finally, I end with a shloka that relate most with me. Dharme sarv pratishtham, tasmad dharm par vadanti, dharm ev hato hanti, धर्मो रक्षति रक्षितः। इट मीन्स दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फाउंडेड ऑन धर्म, हेंस धर्म इज द अल्टीमेट सुप्रीम। धर्म डिस्ट्रॉयज दोस हु डिस्ट्रॉय इट एंड धर्म प्रोटेक्ट्स दोस प्रोटेक्ट्स इट। थैंक यू। जय हिंद।